सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनपर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के पूर्व में रहे मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर हजारों खिलौनों का वितरण करते हुए जन्मोत्सव की बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। राजीव जैन ने इस मौके पर लोगों का आह्वान किया कि वे प्लास्टिक को सदा के लिए अलविदा कह दें, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े अथवा जूट के थैलों का प्रयोग करें। ये जागृति लाने के उद्देश्य से ही थैला वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्लास्टिक का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य जनसेवा ही है, हमें इसी उद्देश्य के तहत आम जनमानस की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना से ही आगे बढ़ रही है। अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी विकास की प्रमुख धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार अपनी योजनाओं को आमजन के हितों को ध्यान में रखकर बनाती है। लोगों को भी जन कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। ये आयोजन 14 सितंबर से 20 सितंबर तक किया गया है। इस समय अवधि में जन सेवा के कार्य प्रमुखता के साथ किए जा रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जन सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुए नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और आज इसकी शुरुआत जो है मोदी जी को हाँ प्लास्टिक को ना, प्लास्टिक मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित करना है और प्लास्टिक को ख़त्म करना है। इस अभियान के तहत आज जो है कच्चे क्वार्टर मार्केट में, सब्जी मंडी में, गोहाणा रोड पर थैलों का जो है वितरण किया गया है, ताकि लोग जो है प्लास्टिक का थैला छोड़कर जूट का थैला, कपड़े का थैला लेकर जो है बाज़ारों में जाएं, ताकि पॉलीथीन जो है मुक्त भारत हो सके। इसके अलावा भी सेवा के जो कार्यक्रम हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, गरीब बस्तियों में जाकर जो है फल वितरण का कार्यक्रम है, गरीब बस्तियों में मच्छरों की भरमार देखते हुए फोगिंग का कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम जो है मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर चलाए जा रहे हैं। और 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी सेक्टर 8 स्थित जो है पार्टी कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का, चश्मा वितरण का जो है वहाँ पर, और थैले वितरण का कार्यक्रम जो है आयोजित करेंगे। और इसके अलावा 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं उनकी जयंती मनाई जाएगी। महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर जो है पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान जो है चलाएंगे। ये सारा कार्यक्रम जो है मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर चलेगा।